अपना नाम फिर से आप बता दें। दिनेश। तो आप देख सकते हैं कि इनको सोरायसिस का प्रॉब्लम है और पहली बार में भी इनका वीडियो डाला गया था, तो आप खुद वो वीडियो देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इनमें कितना सुधार हुआ है। इनके पैरों को देखकर ही आपको पता लग सकता है, क्योंकि पैर उस समय पैर का कंडीशन कुछ और था, अभी कुछ और है। तो यही है शरीर धाम की महिमा, ये भैया के तेल लेपन की महिमा और मंत्र जप और हवन की महिमा। नाम बोलिए। दिनेश। दिनेश जी कहाँ से आए हैं आप? ये शुरू हुआ। अच्छा, ये कब से आपको ये जो सोरायसिस की समस्या? 22 साल हो। अच्छा, इसका इलाज कराया आपने? कंटिन्यू करते ही रहे, कभी कहीं पूरी तो दिल्ली छाल मारी, सारे हॉस्पिटल और इलाहाबाद और भी पता नहीं, राजस्थान भी पता नहीं कहाँ कहाँ से। अच्छा, चलता ही रहा। कहीं भी आपको इन चीजों में आराम लगा नहीं? अच्छा, आयुर्वेद में तो इसमें पैसा भी काफी खर्च किया होगा, कितना कर दिया होगा? कह नहीं सकते, लेकिन अभी ये करीब 5 साल से तो 4000 रुपये महीने की दवा फिक्स थी और करीमें अलग थी। अच्छा, कैसे पता लगा आपको? करीमें अलग थी, मतलब 5000 रुपये के लगभग का खर्च मान लो, हर महीने 12-15-60 हज़ार, 6-5-30 मतलब करोड़ों में। करोड़ों में इसलिए हो जाता है कि आज से 20 साल पहले अगर हम 2000 भी लगा रहे थे तो वो कितना, और फिर घूमने फिरने में बॉडी में हो गया था, फिर ऐसे ही किसी वैद ने तेल लगाया था, आराम हो जाता था, फिर हो जाता है। यहाँ कौन सी बार आए हैं भैया? यहाँ बहुत आराम है पैर में, और आपका आराम आप देख सकते कितना आराम। वो ऐसा जब वैद ने तेल लगाया ना तो आपके पितरों को शांति मिली, लेकिन उन्होंने पितर का यह नहीं कराया, ठीक है आपका रोग तो दूर हो गया एक टाइम, ये तो सारा, फिर उसको थोड़ी शांति मिल गई, फिर वापिस हो जाता था। वो इसलिए हो जाता था क्योंकि आपने फिर ना तो उसके लिए कुछ किया, जैसे हम यहाँ दीपदान कराते हैं और कई कार्य करते हैं, वो तो मैं बता दूंगा कारण तो आपको, मुझे तो सब समझ में आता है ना। ये जो आप ये पैर का कंडीशन है, इसको आप देख लीजिएगा, पिछले वीडियो में इसमें इतना हैवी पपड़ी था, उसको देख के मतलब भयावह स्थिति लग रही थी, लेकिन अब देखिए कितना अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है, कितना आराम आपको? शरीर में हल्का। परम पूज्य मन भैया जी को किस भाव से देख रहे हैं आप? हमारे लिए तो आप हमारे।